हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में इतिहास विषय का लेसन नंबर 2, और उसके दौरान हमने पढ़ा था चोल प्रशासन और उसकी विभिन्न व्यवस्थाएं, इसमें उनकी न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, आय के स्रोत, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय शासन, उनका चोल कला। और उसके पश्चात हम पढ़ रहे थे कलहन की राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। तो इसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस प्रकार से राजतरंगिणी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है कलहन ने, और कलहन की राजतरंगिणी संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऐतिहासिक इतिवृत्त की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। राज प्लस तरंगिणी, तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है। तो राजाओं की नदी जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या उनका समय प्रवाह, यह कवित के रूप में है। कवित एक प्रकार का छंद है, उसमें इसकी रचना की गई है, वो बात हिंदी की है। तो यह कवित के रूप में है। कलहन ने इतिहास को काव्य की विषय वस्तु बनाकर, कलहन ने इतिहास को काव्य की विषय वस्तु बनाकर भारतीय साहित्य को एक नई विधा प्रदान की है, और राष्ट्र जीवन के व्यापक विस्तार के साथ साथ मानव प्रकृति की गहराइयों को भी छू लिया है। आगे है, राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी, और उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। आगे हैं, राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है, रचना है। स्वयं कलहन ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना पुराने राजवंशों की जानकारी देना, पाठकों का मनोरंजन करना, अतीत से शिक्षा लेना के आदि उद्देश्यों से रची गई। वे इस रचना के मूल में उनके कुछ अन्य उद्देश्य भी थे। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली भी देना चाहते थे। हर्ष की मृत्यु के बाद गृहयुद्ध तथा संघर्ष का युग आ गया था। उस समय जो अनिश्चय एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था, फैला था, वह एक अन्य ऐसा तत्व था जिसने कलहन को अपना इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। अपने
इतिहास के द्वारा वे जीवन सांसारिक तथा भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को प्रकट करना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक लें, सीख लें। इतिहास से सीख या सबक लेने के लिए उन्हें स्थितियों एवं घटनाओं का विश्लेषण करना पड़ा। यह विश्लेषण ही उनकी कृति को अन्य कृतियों की तुलना में विशिष्ट बना देता है। कलहन की कृति एक महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तत्कालीन समाज का वर्णन भी है, यानी कि वो किसी महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तो उस समय के जो समाज था उसका वर्णन भी करती है। इसीलिए उसकी जो कलहन की जो कृति है वो बड़ी ही महान कृति है, जिसमें कलहन रह रहा था। उनका परिवार राजनीतिक सत्ता के काफ़ी निकट था और उन्हें इस क्षेत्र के इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग के बारे में प्रत्यक्ष या स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हें राज्य की तरफ से कोई विशेष सहायता नहीं मिली, यही वजह है कि उनकी रचना अन्य प्रशस्ति पर कृतियों से ऊपर उठ सकी। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने काव्य की विधा को अपनाया था। उन्होंने अपनी रचना में रसात्मकता के साथ साथ ऐतिहासिक सत्य का संयोजन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि को सदैव ही निष्पक्ष होना चाहिए। कलहन ने उन स्रोतों का विस्तार से हवाला दिया है जिनकी उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए जांच पड़ताल की है। उन्होंने अपने से पहले के 11 विद्वानों का उल्लेख किया है जिन्होंने राजाओं की कालक्रमानुसार सूची दी है और साथ ही उन्होंने उन विद्वानों की विवेचन पद्धति की कमियों की ओर भी इशारा किया है, निर्देश किया है। उन्होंने अनुश्रुतियों, परंपराओं और इस क्षेत्र पर लिखी गई प्रमुख रचनाओं जैसे नीलमत पुराण का उपयोग किया है। उन्होंने मंदिरों तथा अन्य भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का उन्होंने जो युगांतकारी उपयोग किया वह एक निश्चित प्रगति का सूचक है, विकास का सूचक है। साथ ही पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान तथा धर्मदाय के बारे में उन्होंने अभिलेखों से जो सूचनाएं एकत्र की उनका भी उपयोग किया है। इतिहास के तर्कसंगत स्रोतों के रूप में अभिलेखों का यह उपयोग निश्चय ही एक महान योगदान था। कलहन ने चौथे तरंग के अंतिम भाग से अपने समय तक अर्थात 3886 यानी कि 3886 लौकिक शक, 813 से 14 ईस्वी से 4225 लौकिक शक यानी कि 1140 से 50 ईस्वी तक उसकी कालगणना और इतिहास सामग्री विस्तृत और विश्वसनीय है भी। अपने पूर्ववर्ती सूर्यों के 11 ग्रंथों और नीलमत यानी पुराण के अतिरिक्त उसने प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पट, शास्त्र, लेख आदि, भग्नावशेष,
सिक्के और लोक श्रुति आदि पुरातात्विक साधनों से यथेष्ट यथा प्लस इष्ट यानी कि यथा इच्छा लाभ उठाने का गवेषणात्मक प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने युग अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का निकट से अध्ययन करते हुए वह भी अपनी टीका टिप्पणी में बेबाक है। और तो और अपने आश्रयदाता महाराज जय सिंह के गुणदोष चित्रण तरंग 8 श्लोक 1550 में भी उसने अनुपम या एक विशेष तटस्था का परिचय दिया है। आगे है विजयनगर साम्राज्य का उदय, उसमें कला एवं साहित्य का विकास। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। प्राय इस नगर को किसको विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। इनकी राजधानी विपुल, विपुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। विपुल शक्ति एवं संपदा की प्रतीक थी। विपुल शक्ति और संपदा की प्रतीक थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। तो एक फारसी यात्री था अब्दुल रजाक, उसने लिखा था कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे भी। आगे है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने की। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में भारत मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध यह तीव्र प्रतिक्रिया थी। उस क्षेत्र के हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म समाज एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। विद्यारण्य नामक संत ने हरिहर बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया और उन्हें एक स्वतंत्र हिंदू राज्य के निर्माण हेतु प्रेरित किया। यह स्मरणीय है कि हरिहर और बुक्का दोनों ने युद्ध में बंदी बनाए जाने के पश्चात इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर का राज्य दक्षिण भारत की अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ। अलाउद्दीन के समय से ही दक्षिण में विद्रोह और उपद्रव होते आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1334 ईस्वी में कांपिली प्रांत में ऐसा ही विद्रोह आरंभ हुआ। इसके दमन के लिए हरिहर और बुक्का को
सेना सहित दक्षिण भारत भेजा गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को आश्रय एवं प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया। हरिहर तथा बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप स्वरूप के शेषक थे, सेवक थे, और कालांतर में यानी कि धीरे धीरे समय बीता और कालांतर में ये कांपीली चले गए, और कालांतर में अनुकूल परिस्थितियों में दोनों भाइयों ने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से हिंदू बनकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संगम राजवंश, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, तो जो 1336 से 1486 ईस्वी तक चला। तो पढ़ते हैं सबसे पहले संगम वंश 1336 से 1486 तक, यानी कि लगभग 150 साल। हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश का नाम दिया, यानी कि इन्होंने अपने पिता के नाम पे इस वंश को नाम दिया संगम वंश। हरिहर प्रथम ने और बुक्का दोनों भाइयों ने सम्राट व महाराजा अधिराज की उपाधियां धारण नहीं की। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। तो इनका सबसे प्रमुख काम था साम्राज्य विस्तार करना, यानी कि अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करना। हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने अनगौंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, और इसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया तथा कदम्ब व मदुरा पर विजय प्राप्त की। उसने राज्य में कृषि विकास के कार्य किए। लगभग इसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई और दक्षिण भारत में प्रभुत्व का संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब है बुक्का प्रथम 1356 से 1377। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। सर्वप्रथम बुक्का ने कृष्णा नदी को बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की भी। अब है आगे हरिहर द्वितीय। तो बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जिसने 1379 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक राज्य किया। उसने दक्षिण के रेड्डी शासकों और वारंगल के राजा को पराजित किया। उसने बेलगाम और गोवा के क्षेत्र में भी जीते, और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए। उसने महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। उसने कनारा, त्रिचनापल्ली, कांची तथा चिगलपुर को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया। अब आगे है देवराज प्रथम। तो देवराज प्रथम है 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। इसके बाद देवराय प्रथम शासक बना। देवराज प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली। उसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया। तो इटली का कौन सा यात्री? निकोलो कांटी। तो देवराज प्रथम ने ही राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली, और उसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर
आया और 1422 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बाद में वीर विजय, बाद में कौन? वीर विजय शासक बना। उसके समय में बहमनी राज्य से पुनः युद्ध हुआ और बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया और इस हार का बदला देवराज द्वितीय ने लिया। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं, राज तरंगिणी का अर्थ लिखते हुए उसका वर्णन करो, ठीक है। तो दूसरा करोगे विजयनगर साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।